इंडियंस हम भारतीयों का टैलेंट देयर टैलेंट जिस क्लोजअप ठीक से सुना रहा है. आर यू एबल टू हियर मी मिस्टर शॉप. आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है. उनकी इस वीडियो को टेलीप्रॉम्प्टर से जोड़ के देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सुबह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #टैग टेलीप्रॉम्प्टर पीएम. लेकिन ये पूरी खबर क्या है, इस बारे में आपको बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँगी कि आखिर टेलीप्रॉम्प्टर है क्या. टेलीप्रॉम्प्टर एक तरह की स्क्रीन होती है जिसके ऊपर खबरें विजिबल होती है, यानी कि जो कुछ भी लिखा होता है वहाँ पे वो साफ दिखाई देता है, किसी भी लैंग्वेज में होता है वो. और टेलीप्रॉम्प्टर बोलने वाले व्यक्ति के कंट्रोल में होता है. फॉर एग्जांपल, इस वक्त मेरे हाथ में एक रिमोट है और टेलीप्रॉम्प्टर पे क्या लिखा हुआ है ये रिमोट कंट्रोल करता है. इस रिमोट का कंट्रोल मेरे हाथ में है, मुझे कैसे बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, इस रिमोट के ज़रिए मैं उसे चला सकती हूँ. तो टेलीप्रॉम्प्टर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. पहले मैं एक खबर को आपको हिंदी में पढ़ के बताऊँगी, फिर उसी खबर को मैं अन्य भाषा में भी आपको इसे टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए पढ़ के बताऊँगी. तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा भगवत मान को घोषित कर दिया है. अब इसी खबर को अगर मुझे नेपाली में पढ़ना है तो आसानी से इस टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए पढ़ सकती हूँ, क्योंकि जो वर्डिंग है मेरे सामने वो नेपाली में लिखी हुई है. पंजाब में आम आदमी पार्टी ले मुख्यमंत्री बारे औपचारिक घोषणा करेगी कुछ. पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल मोहाली पुगे के छने भने उनले मुख्यमंत्री को नाम मां भगवत मान को नाम उल्लेख गिरी दे का छन. ये खबर मैंने आपको नेपाली में पढ़ के बताया. अगर यही खबर मुझे भोजपुरी में पढ़ के बतानी तो भी मैं आपको आसानी से यहाँ पे पढ़ के बता सकती हूँ. पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित कर देले बारे. पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल एकर घोषणा आज मोहाली में कैले. आपकी बार पंजाब में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के हुई. तो देखा आपने टेलीप्रॉम्प्टर का कमाल. मुझे कोई लैंग्वेज आती हो या ना आती हो, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए मैं आसानी से लोगों से उनकी भाषा में ही संवाद कर सकती हूँ. तो ज़रूरी नहीं है टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल पत्रकारिता की दुनिया में होता हो. इसे नेता, अभिनेता स्पीच देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और आपको बता दें कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल आज नहीं हो रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल दूरदर्शन के ज़माने से ही किया जा रहा है. और इसका इस्तेमाल US प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी करते हैं. लेकिन सबसे बेहतरीन इस्तेमाल भारत में टेलीप्रॉम्प्टर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, क्योंकि वो हमेशा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. टेलीप्रॉम्प्टर का जो कंट्रोल होता है वो टेक्निकल टीम के हाथ में होता है, वो अपने तरीके से भी कंट्रोल करते हैं. तो वहाँ पर अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो जाती हैं. तो आखिर क्या फॉल्ट क्रिएट हो सकते हैं, क्या मुश्किलें सामने आ सकती हैं, आइए हम आपको बताते हैं. तो यहाँ पे हम आपको बताने के लिए आ गए हैं कि टेक्निकल टीम जो बैकेंड में हमारी होती है किस तरीके से टेलीप्रॉम्प्टर को कंट्रोल करती है, कैसे हैंडल करती है. तो कई बार टेलीप्रॉम्प्टर में इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक स्पीच में जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसको बोलने में दिक्कत शुरू हो जाती है. तो शायद इसी तरह का कोई टेक्निकल इशू जब पीएम मोदी संवाद कर रहे थे वहाँ पर क्रिएट हो गया, जिसके वजह से उनके बोलने का जो फ्लो है वो टूट गया. और यही कारण है कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को टेलीप्रॉम्प्टर से जोड़ के देखा जा रहा है. कई बार नेता या पब्लिक स्पीकर ऐसे टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता है, लेकिन वो अपनी बातों को आसानी से तथ्यों के साथ लोगों के सामने रख देते हैं. तो इसी तरह की रोचक जानकारियाँ हम आपके सामने लेके आते रहेंगे. लेकिन अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें.